सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रुचित मंगला। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। सो ये आज के व्लॉग में आपने टाइटल और थंबनेल देख ही लिया है, तो हमारे फार्म पे जो है हमारा पेट डोमेस्टिक फार्म, यहाँ पे हमारे गेस्ट आ रहे हैं मिलने के लिए हमसे। सो भाई वो तो आप आगे देख ही लोगे, बट स्टार्टिंग में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भाई आप लोगों के लिए एक बहुत तगड़ा सरप्राइज है। पहले अपडेट तो ये है कि थोर और कोनी के जो पपीज है वो सिर्फ अभी 2 पपीज अवेलेबल है बुकिंग के लिए। तो अगर वो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में, पेट डोमेस्टिक का नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हो, वहाँ पे आप बुकिंग करवा सकते हो। और हाँ भाई, सो और एक पपी सुमित का नंबर दे रहा हूँ मैं कमेंट सेक्शन में, उसके पास अवेलेबल है। जो जिस बंदे को यूँ है कि भाई एक एवरेज मैं कह देता हूँ 20,000 से 30,000 के बीच में पपी चाहिए और अच्छी क्वालिटी का, तो वो कॉल कर सकते हो सुमित को और जल्दी जल्दी वो पपी ले सकते हो। वो उसकी एक दूसरी फीमेल का पपी है और वो बहुत शानदार है भाई, बहुत ज़्यादा शानदार पपी है। तो सुमित का नंबर मैं अभी भी स्क्रीन पे आ रहा होगा, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है सुमित का। तो जल्दी जल्दी सुमित को कॉल करो और वो अपना एक पपी ले लो भाई, ठीक है। बट थोर और कोनी के पपी जो बुकिंग करवाओगे वो उस पेट डोमेस्टिक के नंबर पे ही हो सकती है, और वो पपी जो है वो सुमित के पास है, तो आप सुमित को कॉल कर सकते हो जो नंबर आ रहा है उसका। सो ज़्यादा मिक्स मत हो जाना। हाँ, थोर और कोनी के पपी इस रेट से अबव है, सो इसलिए तभी कह रहा हूँ जिसका बजट कम है 20-30 के आसपास है 1000, तो फिर वो सुमित को कॉल कर लो एक बार। एक ही पपी बचाओ, जो जल्दी जल्दी करेगा बुक करवा लो और वो ले जाओ पपी। चलो इस ब्लॉग को जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। ये हमारा थोड़े में वेलकम के लिए थोड़ी गार्डनिंग कर दे भाई। चलो भाई, भाई आए अपने फार्म पे, राजू भाई और चार लोग चल रहे हैं। स्टार्ट कर दिया ना भाई, हमारी फैसिलिटी में आए हैं, तो आगे आगे दिखाएंगे। बाकी फोन से मिलके पहले भी से मिलते रहा भाई, चलने से पहले घर सोच रहा था, क्योंकि ब्लॉग देखते हैं तो थोड़ी हैला घर दिखता है, थोड़ा यार पता नहीं होगा। गेस्ट है ये, कभी कभी आ जाता है अभी मैं सोच रहा हूँ कि ना अपने गाड़ी में एक चीज है जो मतलब कि कई दिनों से पड़ी थी, तो उसे निकाल लेते हैं। बहुत तगड़ी चीज है और मैंने जब ये सोचा था फार्म बनाऊंगा ना तभी लगाऊंगा। चल ना फिर भाई, ले फिर खोल ले। आप लोग गैस करो, बाकी अभी पता ही चल ही जाएगा आपने। ओ भाई मेरी चप्पल क्या करा इसमें ये कैंपिंग अपनी चेयर होगी और ये रहा अपना टेंट। बस टेंट निकाल लिया, अब आप अपना टेंट लगाएंगे फार्म पे, लुक मस्त आएगा। चलो चेयर, हाँ हाँ चलो भाई अब लगा के फिर दिखाते हैं आपको। मोहित नू बता दे, वो जो मैंने अभी सेटअप करा वो कैसा लगा? भाई गजब बस थोड़ा सा ये है, गर्मी है, वरना तो भाई अभी कर लेते हैं, यहीं सोते हैं। आज रात सर्दियों के लिए पक्का काम है। हाँ हाँ देखो भाई ये हमारा लुक, बस बारिश का इंतजार कर रहे हैं। बारिश, वाह भाई वाह। ओ भाई यहाँ पे तो फोटो सेशन हो सकते हैं। ओए राकेश शक्ल ही दिखा ले तो भाई कैसा लगा बताना। बैठिए रे मोहित, बैठियो, बढ़िया। तेरी यहाँ पे कोक ला के देता हूँ मैं तेरे को। वाह भाई थोर का लुक देखो, थोरू थोरू, और वाह भाई वाह। अरे भाई अपना तो अब भाई वाले चैनल के लिए वो घुस गया भाई, देखो पूरा वो है वो है। पूरा वो है यो एडवेंचर उडवेंचर के। चलो करते हैं, अभी भाई वाले चैनल का व्लॉग अब शूट हो रहा है और अपने तो बिहाइंड द सीन चलते ही रहे। भाई के फार्म की छुपी हुई जासूसी वाली राजभरी बातें सारी दिखेंगी तो भाई भाई का चैनल जरूर जाके देखो एक बार। अपने ये मैंने @ तो लिखा ही हुआ है, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है।
तो मैं बीच में भूल ही गया था कि मेरा भी व्लॉग कवर है और मैं अंदर सारा दिखाया भाई को और व्लॉग आधा तो कवर हो गया। इसे बोलते हैं असली व्लॉगर, अपना काम भुलवा दिया मैंने इनको, अपने काम में डाल लिया मैंने इनको, इसको मेहमान नवाजी भी कहते हैं। भाई भूल गए अपना व्लॉग बनाना, भाई मेरे वाले में लग गए 100% देने में। और बाकी यार मजा बहुत आ रहा सच में भाई के ना, यहाँ पे छोटी छोटी चीजें हैं जो इंटरेस्टिंग है और इजी भी है और यू कैन से फ्लेक्सिबल भी है और इंटरेस्टिंग भी है, तो मजा भी आ रहा है उनको पता करने में, जानने में। और अभी हम मिले हैं इनसे, ये दो बहने इना मीना, अभी मैं भाई को कह रहा हूँ एक डीका ले आओ, इना मीना डीका हो जाएगा, आने वाली है। इना मीना डीका तीन हो जाएगी भाई। चलो तुम्हें बता भी दिया, बस विद इन 10 days डीका भी आ जाएगी। देखा फिर तुम्हारे भाई ने आते ही देखो मेरे प्लांट्स का पानी पी लिया, वो दे दिया तुम्हें, ये पानी पी लिया आज प्लांट का पानी। चलो कोई नहीं, फिल्टर पानी है और है तो पानी साफ है। ओए ओ बच्चों आ जाओ, आ जाओ भाई तुम्हें बताता हूँ, जो ये है इना, ओके ये थोड़ा लाइट शेड है, ये थोड़ा डार्क शेड है, एक मिनट एक मिनट, हम भी अपना कंटेंट बना लेना। बाकी इनके नेचर कैसे, नेचर के हिसाब से कैसे डिफरेंस है, इना को मौका मिलेगा खुलते ही भाग जाएगी। अच्छा, और कोई ना कोई चीज उठा के ले आएगी। ओके, और मीना है पहले आएगी, मेरे से प्यार करवाएगी, पूरा टाइम प्यार करवाएगी और फिर जाएगी। तो इन दोनों का अलग अलग पर्सनैलिटी तो होती है, डीका का भी हमें पता नहीं है, उसका वेट करना पड़ेगा। देखो डीका का तो इवन मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता है। ओके बच्चा, बिल्कुल अभी अननोइंग सरप्राइज है, बिल्कुल सरप्राइज है। ओके बस, और एक तो ये सबसे ज्यादा शौकीन है पानी पीने की भाई, खाना खूना दो बार की बात, पौधे की भी शौकीन है इनके लिए सब कुछ। ओ भाई बहुत शरारती होते हैं भाई, बहुत ज्यादा शरारती होते हैं, खोल दिया वो टेंट में चले गए। देखो टेंट के अंदर भी घूम सकते हैं, ये तैयारी हो रही है इनकी यहाँ पे ना, लेह लद्दाख ले जाने की डॉक्टर ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बस में हो ना तो ये टेंट भी खींच के ले जाए। भाई मैं पता क्या कह रहा हूँ, अब आप एक और भी चीज कर सकते हो कि अगर आप डॉग के साथ कहीं दूर जा रहे हो, आपको टेंट में रहना भी, यहाँ पे हम लाइव ट्रेनिंग दिलवाएंगे टेंट वाली। चलो भाई ये भी शुरू हो गई, न्यू टॉपिक दे दिया मैंने, भाई के साथ कमीशन फिक्स कर रहा हूँ मैं इस टॉपिक में। यहाँ क्या खुरा, इनके साथ ना थंबनेल क्लिक करवा भाई, बहुत खुराफाती है हद से ज्यादा वाले। ये है पावर पैक चीज, वो दो है वो दो ना, फिर थम जाते हैं 10 मिनट बाद। ये असली गुरु जी है, ये अंदर से आते हैं, इंजन है ये ट्रेन का, वो डब्बे हैं दो, ऐसे भागते हैं। इसको छोड़ देना शुरू में, पापा कहते हैं इसको छोड़ देना, यूं यूं घूमती है। इसको ना हम खोलते नहीं थे, जब ये घास अभी तो इतनी होगी कि कोई दिक्कत नहीं है, सारी मिट्टी खोद देती थी सिर्फ भाग भाग के। एक तो ये प्रॉपर खोदते हो और एक भाग के खोद देती है। अभी देखो खुशी, देखो हमने मेरे सिपाही से पंगा ले लिया, फिर बताएगा मैं थोड़ क्यों हूँ, मैं थोड़ क्यों हूँ। तो और अभी अपना इलाका नाप रहे, हर जगह हर पौधे के ऊपर अपनी निशानी छोड़ के आए। यार ये ना, ये रचित भाई से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, और इसे उठाया है इसको, भारी पत्थर उठा लिया। हेलो भाई, से कोई पत्थर लेके दिखा दो। नहीं भाई मेरे को ये व्लॉग नहीं बनाना। नहीं चाहिए मुझे, पता लगे पहला व्लॉग आ रहा है,
मोड चेंज हो जाते हैं, ये भाई साहब एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मोड बदल देता है। ऐसे हाथ लगा लूं अभी मैं, कुछ नहीं करेगा भाई, सॉरी सॉरी, आराम से डर लग रहा है भाई। हमारे फार्म पे व्लॉगिंग हो रही है तो रचित भाई को देख सकते हो आप। भाई कैमरा पीछे रख रहा था और वो मेरे को दिखा रहा था, मैं उसके पीछे हो गया, छुप गया कैमरे में, कभी यहाँ दिखा रहा है मैं कभी उधर। भाई की आज खुशी का ठिकाना नहीं है, भाई बड़ा खुश है आज। सो यहाँ पे फिलहाल हम बताने वाले हैं कि जो यहाँ पे डॉग ट्रेनर है भाई के फार्म, खुशी देख लो लड़के की, क्या डॉग्स को ट्रेनिंग दे रखी है। अपार्ट फ्रॉम सिट स्टैंड ईट बार, ये कॉमन हो चुका है सीट स्टैंड दुनिया करवा देती है, मैंने अपने वालों को भी करवा रखा है यार, बेइज्जती अपने आप कर लेता हूँ मैं खुद की। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एग्रेसिव को नॉन एग्रेसिव कैसे बनाया जाए, जो डॉग सोशल नहीं होता उसको सोशल कैसे किया इन्होंने। ये भाई अपने फार्म पे ट्रेनिंग का भी पार्ट चला हुआ है, अभी आप देख सकते हो। और ये सारा प्यार है भाई, दो तरह की होती है ट्रेनिंग, एक तो मार वाली होती है और एक प्यार वाली। भाई ये मार वाली से दिखा दूं, देखो दूर दूर तक ना, हमारे पास असली पहले ही है भाई, इससे बड़ा लट नहीं है कोई डंडा कुछ नहीं है, देख सकते हो। अभी परमिशन की कमांड चल रही है, हमारे पास ये है, हमारे पास प्यार है, वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, हर चीज का रास्ता पेट से, हर चीज का रास्ता पेट से। बहुत खुराफाती है और तुम देख सकते हो इतना कंटेंट बनाया है, थके पड़े हैं भाई, रंग बदले पड़े हैं। व्लॉग तो सुबह का चल रहा होगा आपका भी, तब से अब मैं चेहरे के नूर में डाउन फॉल आ चुका है, बिकॉज काम पे हाई फॉल चला गया, फॉल नहीं चला गया, आप ही गया काम। और बहुत अच्छा लगा यार यहाँ पे कैनल पे आके भाई के, फार्म पे आके भाई के, कैनल नहीं बोलेंगे, फार्म पे आके भाई, तो भाई के लिए इतना बढ़िया सेटअप तैयार कर रहा है भाई। वैसे सुबह भी यहाँ से ही मिलेंगे आपको व्लॉग में, ठीक है, सुबह भी यहाँ से ही मिलेंगे, यहाँ से चेहरा उठते हैं दिखेगा। गुड मॉर्निंग गाइस, यहाँ से टेंट में से निकलूंगा मैं सुबह, गुड मॉर्निंग गाइस, यहाँ से निकलूंगा मैं ले आऊंगा सीधा बार बार जो है कितना कैंटो सारे। दोस्तों घर पे जा रहा हूँ मैं अब, क्योंकि थोरी को छोड़ना घर पे जरूरी था, नहीं तो मेरी आखिरी दिन हो जाता है, क्योंकि भाई मम्मी ने कहा है घर पे जाएगा थोरी, तो मैं घर पे छोड़ के आ रहा हूँ। वैभव भाई और फार्म पे ही है, मोहित और राकेश और वहीं बैठे हैं। सो थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कुछ मैं खाने पीने का ऑर्डर करा हुआ है, तो इतनी देर थे मेरे पास आधा घंटे का टाइम था, तो मैं थोरी को घर छोड़ के आ रहा हूँ, फिर मैं फार्म पे जाऊंगा, फिर मिलाता हूँ आपको। तू ये कह रहा है कि मुझे क्यों नहीं लेके गए, अगली बार लेके जाऊंगा, तेरा कालजा पाट जाएगा, इतने डॉग है वहाँ पे। तू तो यहाँ पे ही रहे, इसमें प्यारे बच्चू, चल खेल ले। लो भाई थोड़ा अभी शाम को फार्म का ये मजा भी तो है ना, कि फार्म बढ़ाने का, घास घूस है अपनी बढ़िया, और थोड़ा अपनी स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक के साथ सारे स्नैक्स लेंगे भाई, भाई सारे कोल्ड ड्रिंक के साथ स्नैक्स ले लेना, ठीक है, ठीक है। बाकी पार्क का मजा आ रहा है, नहीं आ रहा, बढ़िया आ रहा भाई, खुला वातावरण है, थोड़े से मच्छर पपिया ले रहे भाई, आज हवा नहीं चल रही, नहीं हवा चलती ना तो और मजा आता है, हाँ मजा, मतलब लुक ही अलग है। अब भाई को मतलब छोड़ने जा रहे हैं गाड़ी तक, व्लॉग भूल गया था मैं, इट्स माय विदाई टाइम, लाल अभी मेरा विदाई का टाइम आ गया, एंड वी रचित भाई की तरह से इट वाज अ वेरी गुड हॉस्पिटैलिटी, बहुत बढ़िया लगा हमें। अब हमारा फेरा पूरा हो गया, जैसे शादी के बाद फेरा पाते हैं, अब भाई का फेरा हमारी से आना जरूर आएगा भाई, तो इधर भी हरियाणा है, भाई ने भी हरियाणा आना, इट वाज नाइस मीट यू ब्रो भाई, और बहुत अच्छा लगा। चैनल पे भी व्लॉग है मेरे, वैभव जेरी नाम से चैनल पे भी व्लॉग है, दोनों साइड फार्म देखने को मिलेगा विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव, तो जरूर देखना, जरूर देखना भाई, जरूर देखना। ओके ब्रो, तो एक बार और छोड़ आता हूँ मैं गाड़ी तक, देखा है। चलो फिर मिलते हैं भाई, फिर मिलते हैं। तो गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह का टाइम है और मैं ना अभी वीडियो डालनी है भाई, आप लोग जो व्लॉग देख रहे हो, बट मेरे पास मैकबुक अपनी, मैं घर पे ही भूल गया और इस टाइम मैं हूँ फार्म पे। सो मम्मी अभी सुबह सुबह स्कूल में जाते हैं, तो फिर मम्मी को कह दिया, वो मम्मी का भी रास्ता यही है, तो मैं कहा मम्मी कोई नहीं आप ले आना, और मैं मम्मी के पास ही पहुंच रहा हूँ अभी।
सो चलो दिखाते हैं और मम्मी से अपना लैपटॉप ले लेते हैं ताकि आप लोगों को व्लॉग डालूं आपके लिए मैं। तो भाई ये आप पहुंच गए मोटू। नमस्ते आंटी जी, इसमें क्या लैपटॉप इसमें लाए हो? ये लैपटॉप का बैग था तो मैं लेके आया हूँ। चलो भाई चलते हैं, चलो चलो ये रोटी वाले बैग में लेके आई है मैडम। सो दोस्तों फार्म पे पहुंच गया हूँ मैं और चलो अभी वीडियो एडिट करते हैं और आपसे फिर व्लॉग में मिलते हैं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो यार कमेंट सेक्शन में यार जरूर बताने की कौन सी मोमेंट अच्छी लगी है और भाई और कैसे कैसे व्लॉग आप देखना चाहते हो और भाई भर भर के प्यार दो यार, भर भर के, ठीक है? सो भाई इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं और एक चैलेंज कर सकते हैं हम, पूरी गर्मी में मैं ना 24 आवर्स फार्म में टेंट में रहना पड़ेगा, कैसा लगा आइडिया मुझे बताना। अगर कहोगे ना तो पूरे 24 घंटे इसमें टाइम निकाल लूँगा मैं, ठीक है? तो जरूर बताना भाई, जरूर, सीधी सी बात है। चलो इसी के साथ इस पैसे ब्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। ओके बाय बाय।